ये स्टूडेंट्स, हम मीराबाई के पद पढ़ रहे थे। आइए आगे पढ़ते हैं। मीराबाई अपने कृष्ण के प्रति अपने भावों को किस प्रकार प्रकट करती हैं, अपने विरह को, अपने दर्द को कि कृष्ण प्रकार वो प्रकट करती हैं, वो हम पढ़ेंगे कि हेरी महादर्द दीवाणी मारा दर्द न जाना। मीराबाई कहती हैं कि मैं कृष्ण के प्रेम के दर्द की दीवानी हूँ और मेरी पीड़ा को, मेरी दर्द को जानने वाला और कोई नहीं है। घायल की गत घायल जाना हिवड़ो अगण संजोए, कहती कि मेरे मन के अंदर कृष्ण से मिलने की, हिवड़ो का अर्थ है मेरे हृदय के अंदर कृष्ण से मिलने की पीड़ा रूपी अगण है। और कहते कि मेरी इस दर्द को और कोई नहीं समझ सकता, जिसे कृष्ण से मिलने की, जिसे ईश्वर से मिलने की पीड़ा है, दर्द है, वह ही मेरी बात को जान सकता है। मीराबाई कहती है कि जिस प्रकार एक घायल व्यक्ति के दर्द को घायल व्यक्ति ही जान सकता है, इसी प्रकार जिसके हृदय के अंदर कृष्ण के विरह का, प्रेम का दर्द है, वह ही मेरी पीड़ा को जान सकता है। मैं कृष्ण के दर्द की दीवानी हूँ पर मेरा दर्द जानने वाला कोई नहीं है। जोहर की गत जोहर ही जाने, क्या जाने जिनको। कहते कि जोहर अर्थात हीरे की जो गत का अर्थ है, उसकी जो कीमत है, वह सच्चा जोहरी ही जान सकता है। क्या जाना जिनको, जिन्होंने हीरे को खो दिया है वह इसकी कीमत नहीं जान सकता। यहाँ हीरा जो है वह मानव का तन है कि अर्थात जो ईश्वर की भक्ति में लग गया है, जिसे सच्चे सतगुरु का साथ मिल गया है, उसे इस मनुष्य जीवन रूपी कीमती हीरे की पहचान हो सकती है। जो इस संसार में मोह माया में अपने जीवन को खोकर चले जाते हैं, वो इसकी कीमत को नहीं जान सकते। दर्द की मारा दर दर डोला, वैद मिला नहीं कोई। मीराबाई कहती है कृष्ण से मिलने के लिए मैं दर दर भटकती फिरती हूँ कि कोई मुझे मेरे कृष्ण से मिला दे, उसके दर्शन करा दे, लेकिन मुझे इस संसार में अब तक कोई वैद मिला नहीं है, अर्थात मुझे कोई सतगुरु मार्गदर्शन करने वाले मिले नहीं है। मीरा री प्रभु पीर मिटांगा जब वैद सांवरो होए। मीराबाई कहती कि मेरे हृदय की पीड़ा कब मिटेगी, जब मेरा सांवरा, मेरा कृष्ण कन्हैया ही मेरा वैद बन करके आ जाएगा। जब वैद कृष्ण बनेंगे तब मेरे मन की पीड़ा दूर हो पाएगी। को बिरहनी को दुख जाने हो, जाघट बिरहा सोई लखी है, कह कोई हर जन माने हो। कहते मुझ बिरहनी, मीराबाई की विरह के पद ही ज्यादा है, इनके पदों के अंदर विरह की भावना ही ज्यादा है। मीराबाई कहती है कि मुझ बिरहनी, मीराबाई का मेरे दर्द को कोई जाने वाला नहीं है। कौन ऐसा है जो मेरे दुख को जान सके, समझ सके, पहचान सके। जाघट बिरहा सोई लखी है, जाघट बिरहा सोई लखी है कई कोई हरिजन माने हो, कि जिसके हृदय के अंदर विरह है वह ही इस दर्द को जान सकता है। या कोई हरि का जन अर्थात जो हरि का सच्चा भक्त है, जिसे ईश्वर से मिलने की तड़प है, वह मेरी पीड़ा को जान सकता है। रोगी अंदर वैद वसत है, वैद ही औखद जाने हो। क्या कहते हैं, रोगी अंदर वैद वसत है, वैद ही औखद जाने हो, कि हर रोगी के अंदर एक वैद छिपा होता है। और सच्चा जो व्यक्ति अपने रोग को खुद पहचान लेता है, उस जैसी पहचान कोई और वैद नहीं कर सकता। विरह दर्द उरी अंतरी माही, हरि वीणी सब दुख काने ही। विरह दर्द उरी अंतरी माही, जो विरह का दर्द है वो उरी अर्थात हृदय के अंदर होता है। हरि विनी सब सुख काने हो, और सच्चे भक्त के लिए ईश्वर के बिना सारे संसार के दुख काने हैं, अर्थात अधूरे हैं। दुखदा कारण फिरे दुखारी, सूरत बसी सुत माने हो। कहती कि दुख के कारण जो है ये दुखारी मीराबाई इधर उधर घूमती रहती है, सूरत बसी सुत माने हो। क्या कहती है कि जिस प्रकार एक माता कहीं भी घूमती हो, कोई भी कार्य करती हो, लेकिन उसकी सूरत अपने पुत्र में ही लगी रहती है, इसी तरह से मीराबाई कहती है मैं काम भी सारे करती हूँ, इधर उधर घूमती रहती हूँ, लेकिन इस दुखियारी के जो मन है, लगन है, वह सिर्फ कृष्ण के प्रति लगी रहती है। चातक स्वाति बूंद मन माहे पी पी उकलाने, जिस तरह से चातक पक्षी जो है स्वाति नक्षत्र की बूंद के अंदर ही उसके प्राण लगे रहते हैं, मैं उनको देखता रहता और पीऊ पीऊ की आवाज निकालता रहता है, इसी तरह से मेरी लगन कृष्ण से है तो मेरा मन कृष्ण की ही भक्ति को गाता रहता है, उसे ही याद करता रहता है। सब जग कूड़ो कंकड़ दुनिया, दर्द न कोई पिछाड़े। मीराबाई कहती है मुझे यह सारा संसार कूड़े कंकर जैसा दिखाई देता है, जो मेरे दर्द को समझता नहीं है, जो मेरी पीड़ा को दूर नहीं कर सकता। मीरा के पति रमैया दो जो नहीं कोई छाने हो, कहते कि मैंने सब जगह ढूंढ लिया है, रमैया कृष्ण ही रास के, रमैया कृष्ण ही मेरे सच्चे स्वामी हैं, मेरा इस संसार में और कोई नहीं है, मैं किसी और को नहीं छानती, अर्थ पहचानती हूँ।
पतिया मैं कैसे लिखूं, लिखूं री न जाए। मीरा बाई कहती है कि मैं कृष्ण को पत्र कैसे लिखूं, मुझसे लिखा ही नहीं जाता, लिखो री न जाए अर्थात मुझे से लिखा ही नहीं जाता है, कलम धरत मेरो कर कंपत है, नैन रहे झड़ जाए। कहते कि जैसे ही मैं कलम पकड़ती हूँ कुछ लिखने के लिए मेरे हाथ कांपने लगते हैं, और यदि कोई शब्द लिख देती हूँ तो आंखों से बहने वाले आंसू उसे मिटा देते हैं, बात कहूँ तो कहत न आवे जीव रहे डरवाए। अगर मैं मुंह से बोलकर कुछ कहना चाहती हूँ तो भी मुझसे कुछ कहते नहीं बन पाता, मेरे हृदय के अंदर एक डर सा बना रहता है, विपत हमारी देख तुम चाले कहियाँ हर जीव सो जाए। कहते कि मेरी विपता को देख करके जो भी जा रहा है वह बस कृष्ण के पास जाकर मेरा यह संदेशा दे दे, कहियाँ हरी जी सो जाए, हरी जी अर्थात कृष्ण जी से जा कर के मेरी संदेशा दे देना। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण ही कमल रखा है। मीरा बाई कहती है मेरा तो इतना ही संदेशा है कि हे मेरे गिरधर नागर प्रभु, मुझे अपने चरण कमलों में ही संभाल करके रख लेना। कमल अर्थात कमल पुष्प, चरण ही कमल का अर्थ है, कमल के समान कोमल चरण। अगला पढ़ते हैं कि री महा बैठा जागा जगत सब सुना। मीराबाई कहती है कृष्ण के विरह में मैं सारी रात जो है बैठ करके जाग के निकालती हूँ, जबकि सारा संसार सो रहा होता है। विरहन बैठा रंग महल मा निर्णय लड़ा पोवा, विरहन बैठा रंग महल, माँ का अर्थ है अंदर, कि रंग महल के अंदर बैठ कर के विरहन जो है अपने दुख को देख रही है, नैन लड़ा पोवा और आंखों से बहने वाली आंसुओं की झड़ियों को लड़ी को पिरो रही है, अर्थात मैं अपने महल में अकेली बैठ कर के जाग रही हूँ और आंसू बहा रही हूँ, जबकि सारा संसार आनंद में मग्न होकर के सो रहा है। एक विरहणी हम ऐसी देखी अश्वन की माला को, मीराबाई क्या कहती है कि एक विरहणी हम ऐसी देखी, कहते कि मैंने मेरे रूप में एक एक ही विरहणी ऐसी देखी है जो आंसुओं की माला पिरोती रहती है, तारा गणता रेण बिहाना सुख घड़ियारी जो है। कहते कि मैं तारे गिनते हुए दिन रात बिता देती हूँ और सुख की घड़ियों की बाट ही निहार रही हूँ। मीरा के अनुसार सुख की घड़ी कौन सी है, जब उसको उसके कृष्ण के दर्शन होंगे, हे प्रभु गिरधर नागर मिल बिछड़ा ना हुआ। कहते कि अब आप कोई ऐसा जतन करो कि एक बार मुझे आकर के मिलके मुझे दर्शन दे दिए, तो मिलके मुझसे बिछुड़ना मत, अर्थात मुझे अपने पास ही बुला लीजिए, मेरा आपसे हमेशा के लिए मिलन करवा दीजिए, मुझे अपने से दूर मत कीजिए। सखी मारी नींद नसानी हो, पियरो पंथ निहार सब रैन बिहानी। मेरा भाई कहती है कि मेरी मारी करते हैं मेरी सारी नींद ही नष्ट हो गई, अर्थात मेरी आंखों से नींद ही चली गई है, अपने प्रिय कृष्ण का पंथ निहारते निहारते सारी रात बिहानी करते हैं मैंने व्यतीत कर दी है। प्रिय रो पंथ निहारत सब रैन बिहानी, बिहानी करते सारी रात व्यतीत हो गई है। सखियां सब मिल सीख दया मन एक नमा, मेरी सखियां सभी मिलकर मुझे समझाती हैं कि मैं अपने प्राणों को संकट में न डालूं, ऐसे से प्रेम करके क्या लाभ है जो आता ही नहीं है, पर मेरा मन एक भी बात मानता नहीं है। बिन देखा कल ना पड़ा मन रोश ना ठानी, कल का अर्थ है चैन पड़ना, कि बिना देखे कृष्ण को बिना देखे मुझे कोई चैन नहीं पड़ता, मन रोश न ठानी हूँ। भाई जो उसको समझाता है वो कहते हैं कि तुम अपने मन को रोष अर्थात क्रोध मत ठानो, मेरे मन ने एक बात रोष ठान ली है, दोनों तरह से इस बात को आपने लिखना है कि कृष्ण के विरह में मीराबाई कहती कि मेरे मन ने रोष क्रोध ठान लिया है कि अब जब तक दर्शन नहीं होंगे चैन नहीं पड़ेगी, और दूसरा जो उसको समझाते हैं उनको कहती है कि मुझे उनके बिना चैन नहीं पड़ेगा, मेरी इस बात से तुम मन में उदास और रोष न ठानो। अंग क्षीण व्याकुल भया मुख पिए पिएवा, मेरे सारे अंग जो है क्षीण हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, व्याकुल हो चुकी हूँ, और मेरा हृदय जो है मेरा मुख जो है वह प्यु प्यु की वाणी बोल रहा है, प्रिय प्रिय को याद कर रहा है, अंतर विरह वेदन विरह री मारी नीण ना जानी हूँ। कहते हैं कि मेरी पीण न जानी हो, पीण का अर्थ मेरी पीड़ा को जानने वाला कोई नहीं, मेरे हृदय के अंदर विरह की वेदना है पर इसको कोई जानता नहीं है। जो चातक घड़ो रटे मछली जो पानी, जिसने चातक पक्षी जो है स्वाति नक्षत्र के पानी के लिए रट लगाए रखता है, इसी और जिस तरह से मछली पानी के लिए रट लगाए रखती है, मीराबाई कहती है कि मैं तो उसी तरह से व्याकुल विरहणी के भांति अपनी सुध बुध को विसरा कर कृष्ण की राह देख रही हूँ, कृष्ण की बाट देख रही हूँ।
घर होता आसो महाराज। कृष्ण से कहती है, हे कृष्ण तुम मेरे घर में पधारो, मेरे घर आ जाओ, नैन बिछासो हिवड़ो डांसू सर पर राखो विराज। हे कृष्ण मैं अपनी आंखों को बिछा करके हिवड़ो डांसू, अपने हृदय को तुम्हारे सामने डाल दूंगी, सर पर राखो विराज। और सर पर राखो विराज का अर्थ की मैं तुम्हें अपने सर पर बिठा करके रखूंगी, अपनी आंखों में स्थान दूंगी, पावड़ो मारा भाग संवारा जगत उदाहरण का। तुम इस संसार में जगत का उद्धार करने आए हो, तो मेरे यहाँ भी मेरे भाग्य को संवारने के लिए पावड़ो करते मेरे यहाँ भी अपने चरणों को ले करके आइए। संकट मेटा भगत जना रा था पूरा पाज। कहते कि तुमने हमेशा भक्त जनों के संकटों को दूर किया, उनके कष्टों को दूर किया है पुनरापाज। जो इस संसार से उखड़ गए हैं, जिसका सब कुछ नष्ट हो गया, उसे तुमने दोबारा से स्थापित किया है। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर बहा कहे रिलाज, कि तुम जिसकी बाह पकड़ लेते हो उसकी लाज भी रखते हो। हे गिरधर नागर प्रभु मैं तुम्हारी शरण में हूँ, तुम मेरी बाह पकड़ करके मेरी लाज रखे रखना, मेरे को संभाले रखना।